फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाओ पहाड़ी पे। और अब यहाँ से हमारी जो एक बढ़िया सी राइड है वो शुरू होने वाली, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, आपको धुंध, ओस, रेन सब मिलेगा। और आइए अब हम आपको जन्नत की सैर कराते हैं। Thank you.
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जाना पाओ के टॉप पर, और यहां देख सकते हैं पूरे धुंध बनी हुई है क्योंकि यहां पर बादल पूरे हमारे आसपास घूम रहे हैं, और भी राइडर्स और भी मतलब घूमने वाले लोग आए हैं देखिए सामने, और ये पूरा धुंध हो रही है। और ये हमारा जिगरी दोस्त राइडर वो पी के तैयार है बिल्कुल अपने ताम झाम के साथ, और ये देखिए हर्षल भाई को, और वो रहा हमारा अंशुल हमारा नया राइडर। तो चलिए आइए आपको लेके चलते हैं जाना पाओ, बहुत दिनों से यहाँ आना नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं सामने चाणक्य जी की मूर्ति लगाई गई है भगवान श्री राम के साथ, और ये हमारा स्वागत है जाना पाओ की परम स्थली पर जहाँ पर श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। और ये देख सकते हैं पूरी धुंध है, और ये देखिए, तो चलिए चलते हैं आ जाइए। और ये है भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति विराजित है, और इसके पीछे नए मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से सामने देख सकते हैं श्री शिव जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान परशुराम यहाँ पर शिव जी की पूजा पाठ किया करते थे। अंदर सफाई चल रही है इसलिए भी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश के कारण पूरा गीला गीला हो गया है। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं सामने ये जाना पाओ का पवित्र कुंड है जो कि अभी धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है, और ये पूरी धुंध जमा है इसमें। और ये देख सकते हैं सामने सीढ़ियाँ बनी हुई है स्नान वगैरह करने के लिए, और अभी यहाँ पे धर्मशाला वगैरह बना दी है, शेड बन गया है, पूरा धुंध में भरा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं सामने कुंड पूरा बना हुआ है, इसमें पवित्र जल है, ये देख सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं जाना पाओ से वापस नीचे की तरफ, और जो कि ढलान वाला हिस्सा है, और देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह में व्यस्त है, और ये हमारी बाइक्स वगैरह खड़ी है जैसे प्रेरणा प्रिंसेस और हमारे दोस्त अंशुल की पैशन एक्सप्रो, उसका भी उसे नाम नहीं दिया है। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी वादियाँ हैं, ग्रीनरी है, बिल्कुल ही हरियाली भरा ये जो परशुराम जी भगवान का जन्मस्थली का जो पर्वत है, मतलब इसकी खूबसूरती के क्या कहने। अभी 9 बज चुके हैं और उसके बावजूद भी इतनी धुंध है, मतलब इस तरफ से तो हट गई है लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से पूरी धुंध वहाँ पर है और यहाँ से पूरी धुंध ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हमको थोड़ा क्लियर दिख रहा है लेकिन फिर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पीछे पूरी धुंध है ना, ये पूरे बादल है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये सारी धुंध निकल के जा रही है, बस इस तरफ नहीं है। तो आइए थोड़ा